भाई यहाँ पे पिछले साल 2 साल पढ़ा है और उसने यहीं से NIT क्रैक की है। हम सलोनी है और मैं यहाँ यूपी काजावादी स्टेट से आई हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी दिल्ली में स्टडीज़ मेरी नॉर्मल चल रही थी, तो मैं स्केल इंस्टीट्यूट इसलिए ताकि मेरे को एक्स्ट्रा स्टडीज़ मिले, ताकि मैं IIT JEE एडवांस में सक्सेसफुल हो पाऊँ। पर स्केल के अंदर आने के बाद यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी सेटिस्फेक्शन हुई थी, क्योंकि जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जब मैंने यहाँ पे डेमो क्लासेस ली तो मुझे पता भी चला कि 10th और 11th में मेरे में जो फ़र्क आया वो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। और डेमो क्लास ली तो मुझे खुद के अंदर बहुत ही वाइब्रेंट रिजल्ट मिले, मैंने खुद से रियलाइज़ किया कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, चाहे बच्चा एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, हर किसी को अटेंशन मिलती है। यहाँ से ही मेरे भैया थे, उन्होंने IIT खड़गपुर में अभी वो, तो उन्होंने यहाँ से ही IIT क्रैक की थी। आज से कुछ वर्ष पहले तक लोगों की ये धारणा थी कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो दूसरे शहरों में जाकर कोचिंग लेकर ही वो अपना सपना साकार कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लोगों की ये धारणा बदल गई है। अब उल्टा रेवाड़ी में ही अलग अलग राज्यों के बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। रेवाड़ी शहर के कोंसीवास रोड स्थित स्केल कैरियर इंस्टीट्यूट में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, UP, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड तक के बच्चे इस संस्थान में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। बता दें कि IIT और NEET की कोचिंग के लिए रेवाड़ी शिक्षा का हब बनता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में रेवाड़ी के संस्थानों ने काफ़ी बच्चों के सपने पूरे करने में मदद की है। अकेले स्केल कैरियर इंस्टीट्यूट ने ही 6 वर्षों में 200 से ज़्यादा इंजीनियर और 80 से ज़्यादा डॉक्टर बनने वाले बच्चों को अच्छे कॉलेजों में दाखिला दिलाया है। यही वजह है कि अब दूसरे राज्यों के बच्चे भी रेवाड़ी के इस संस्थान में पढ़कर आगे बढ़ने में रुचि दिखा रहे हैं। दूसरे राज्यों के बच्चे रेवाड़ी कैसे पहुँच रहे हैं, उन बच्चों ने क्या कहा, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संस्थान का लक्ष्य है कि एक दिन IIT और NEET में टॉप करने वाला बच्चा स्केल कैरियर इंस्टीट्यूट का हो। बच्चों और संस्थान के डायरेक्टर सचिन शर्मा ने क्या कहा, अब आप वो सुनिए। सर, एक टाइम था जब रेवाड़ी के बच्चे बाहर प्रिपरेशन करने जाते थे, आज समय बदल चुका है। आज रेवाड़ी से बाहर के लोग रेवाड़ी में आके प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्केल में जब आज 6 स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ स्केल के लिए नहीं, स्केल के हर मेंबर के लिए नहीं, बल्कि पूरे रेवाड़ी के लिए गर्व की बात है कि हमने हवा का रुख बदल दिया है। हम ये चाहते हैं कि रेवाड़ी के बच्चे तो यहाँ पढ़े ही पढ़े, साथ साथ अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ आकर पढ़ें। और उसके लिए हमने नेक्स्ट मंडे से, जो हमारे 3 बैच ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, 4th बैच स्टार्ट हो रहा है, हमारा ये टारगेट है कि नेक्स्ट 4th बैच के अंदर जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी भी एडमिशन कहीं नहीं लिया है या कहीं ले लिया तो ऑप्शंस वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप डेमो क्लास लेकर देख सकते हैं, जिसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो एस्पिरेशंस हैं, क्या वो मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और अगर आपको लगता है कि स्केल आपके जो एस्पिरेशन है उसको सही तरह से प्रिपेयर करा के आपको उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, तो मैं आपसे कहूँगा एक बार आप स्केल ज़रूर विजिट करें, आप देखें यहाँ का सिस्टम और समझें, और साथ साथ हम लोग मेहनत करते हैं कि हम दोनों का जो सपना है वो पूरा हो सके। बिल्कुल सर, अभी JEE मेंस का जस्ट आपको पता है एग्जाम फिनिश हुए हैं 2nd फेज की, तो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने JEE मेंस के एग्जाम 2nd फेज के दिए और जिनको लग रहा है कि इस बार का उनका JEE मेंस क्लियर हो गया और JEE एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए JEE एडवांस का यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है मंडे ऑनवर्ड्स। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो उसमें एनरोल कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि नहीं, मेरी प्रिपरेशन तो पूरी है बट मेरी टेस्टिंग मुझे चेक करनी है, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। जिन भी स्टूडेंट का स्कोर JEE मेंस में 97% या उससे ऊपर है, उन स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, गाइडेंस भी अवेलेबल है, और अगर किसी तरह के कोई डाउट्स डिस्कशन या इस तरह के सेशन उनके लेने की आवश्यकता है तो वो भी अवेलेबल है। मेरा नाम सृष्टि यादव है, मैं यहाँ पे स्केल के अंदर पढ़ने आई हूँ। इससे पहले मैंने कई जगह पे इंस्टीट्यूट के अंदर डाउट सेशन अटेंड किए थे, पर इतना अच्छा इन्वायरमेंट मेरे को कहीं लगा नहीं। पर स्केल के अंदर आने के बाद यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी सेटिस्फेक्शन हुई थी, क्योंकि जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे डिफरेंट डाउट सेशंस, DPP सेशंस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आगे। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरा अब की बार NEET हो ही जाएगा।
सर की मदद से। तो हाँ, स्केल बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट। मैंने टेंथ के बाद इलेवंथ के लिए कोटा जाने का सोचा था नीट की कोचिंग करने के लिए, पर उसके बाद फिर मैंने सचिन सर का सेमिनार अटेंड किया और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे स्केल में यहाँ पे पर्सनल अटेंशन मिलता है। और जब मैंने यहाँ पे डेमो क्लासेस ली तो मुझे पता भी चला कि टेंथ और इलेवंथ में मेरे में जो फ़र्क आया वो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। तो इसी वजह से फिर मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया एक महीना आना, और अब जो मेरी परसेंटाइल पहले 70-80% की हुई थी और वो 95-98 के बीच में, तो अब मैंने डिसाइड किया कि 11th और 12th में स्केल में ही रहने वाला हूँ नीट की तैयारी के। हम चैतन्य शर्मा है, मैं झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ रेवाड़ी का ही नेटिव हूँ और मैंने जैसे स्केल की पब्लिसिटी देखी और डेमो क्लास ली तो मुझे खुद के अंदर बहुत ही वाइब्रेंट रिजल्ट मिले। मैंने खुद से रियलाइज़ किया कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और कंपैरेटिवली जो मैं पहले पढ़ता था वहाँ से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो फिर मैंने चूज़ किया कि मैं स्केल में अपना आगे का जो 9th से हूँ मैं यहाँ पे, तो 9th, 10th, 11th, 12th यहीं से करूँगा और मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, क्योंकि सर सचिन सर और बाकी सब फैकल्टी हमें एटिकेट्स तो सिखाते हैं और पढ़ाई भी अच्छी करवाते हैं। 9th क्लास में स्किल को ज्वाइन किया था, उस टाइम मैं काफ़ी जगह डेमो ले रही थी और मेरे पापा ने मेरे को कहा था कि यहाँ पे एक बार डेमो लेना है। तो मेरी एक फ्रेंड थी तो उसके सपोर्ट से मैं यहाँ पे आई थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पहले तो डेमो क्लासेज ली, और जब मैंने डेमो क्लासेज ली तो मुझे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। एक्चुअली जब मैं अपने प्रीवियस स्कूल में थी तो वहाँ टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते थे, बच्चों को नेगलेक्ट करते थे, बट जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि चाहे बच्चा एवरेज हो बिलो एवरेज हो हर किसी को अटेंशन मिलती है। और फिर मैंने 9th में यहाँ पे किया और फिर मैं 9th में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई और मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, यस आई कैन डू समथिंग। फिर मैंने 10th भी यहीं से की और अब मैं 11th, 12th भी यहीं से करूँगी, एंड मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा एक बार में नीट हो जाए। मैंने यहाँ पर काफ़ी जगह मैंने और डेमो क्लासेस ली थी, फिर मैंने यहाँ पर डेमो क्लासेस ली तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो अभी मैं यहीं पर एडमिशन लेने वाला हूँ। यहाँ से ही मेरे भैया थे, उन्होंने IIT खड़गपुर में अभी वो, तो उन्होंने यहाँ से ही IIT क्रैक की थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पर टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं यहाँ पर कोचिंग लेना है। मैं इससे पहले सैनिक स्कूल के अंदर था, फिर वहाँ पे थोड़ा पढ़ाई का लेवल कम था, तो फिर एक अच्छे स्कूल की सर्चिंग में रेवाड़ी के अंदर ही, तो फिर मेरे को स्केल कर इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, जहाँ पे कि टीचर्स का लेवल भी सही है। और आजकल क्या, जहाँ टीचर्स का लेवल सही है वहाँ पे भीड़ हो रखी है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टीचर्स भी अच्छे लेवल के हैं और भीड़ भी कम नहीं है, मतलब भीड़ कम है, बच्चे सही हैं। हम सलोनी है और मैं यहाँ UP काजियाबाद स्टेट से आई हूँ। मुझे यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे मतलब रेवाड़ी में जब मैं फर्स्ट टाइम आई कि स्केल इंस्टीट्यूट है, जब मैंने यहाँ के बारे में फिर बहुत ज़्यादा सुना और कि यहाँ पे पढ़ाई करके फिर एक बार में सक्सेस मिल जाता है, तो मैंने भी यहाँ पे आई और मैं यहाँ 9th क्लास से पढ़ रही हूँ। यहाँ की पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा भाई यहाँ पे पिछले साल 2 साल पढ़ा है और उसने यहीं से NIT क्रैक की है, मतलब JEE एडवांस भी क्रैक की, पर स्ट्रीम की वजह से वो NIT में गया है, NIT कुरुक्षेत्र। तो यहाँ किस तरह से रहते हैं पढ़ाई और क्या गोल है आपका आगे? मेरा भी गोल है IIT क्रैक करने का, और पढ़ाई यहाँ पे ऐसी है कि कोई डाउट नहीं रहने देते, कोई भी डाउट हो उसे क्लियर कर देते हैं। तो अधिकांश लोगों की सोच रहती है कि कोटा जाए, सीकर जाए या बड़े शहरों में जाए, रेवाड़ी छोटा शहर है। नहीं, वहाँ पे हमारे ऊपर इंडिविजुअली ध्यान नहीं दिया जाता, पर यहाँ पे हमारे ऊपर इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है कि एक एक बच्चा कैसा पढ़ रहा है। कोटा, सीकर, दिल्ली, इन सब जगह के बारे में सुना, बट ये हमें यहाँ पे ही मिला कि कोचिंग और स्कूलिंग एक ही जगह पे, और हॉस्टल भी है अपना, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं रेवाड़ी यहाँ पे स्केल किनकर इंस्टीट्यूट की वजह से पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी दिल्ली में स्टडीज़ मेरी नॉर्मल चल रही थी तो मैं स्केल इंस्टीट्यूट इसलिए ताकि मेरे को एक्स्ट्रा स्टडीज़ मिले, ताकि मैं IIT JEE एडवांस में सक्सेसफुल हो पाऊँ। कैसे पता चला? मेरे मौसी के लड़के यहाँ पे पढ़ते थे और उनका बहुत अच्छा फीडबैक रहा था, तो इस वजह से मेरी मम्मी ने भी मेरे को यहाँ पे डालने का सोचा।